हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सिक्स के हिस्ट्री चैप्टर से पढ़ाई करेंगे। अब हिस्ट्री क्या होता है, इसके कितने भाग हैं, इसमें टाइम फ्रेम क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम राजेश कुमार है और चलते हैं देखते हैं क्या आगे की पढ़ाई हो रही है। हिस्ट्री का हिंदी अर्थ होता है इतिहास। हिस्ट्री का हिंदी अर्थ होता है इतिहास, और इतिहास का मतलब होता है बीती हुई कहानी। अर्थात हिस्ट्री मीन्स द स्टडी ऑफ पास्ट, मतलब जो बीत चुका है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब है चूंकि यह इतिहास बीते हुए समय का ज्ञान कराता है, तो इस हिसाब से तीन भागों में इसको बांटा गया है। पहला है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या होता है? प्री हिस्ट्री वैसे काल को कहते हैं, प्री हिस्ट्री वैसे काल को कहते हैं जिसमें रिटेन डॉक्यूमेंट नहीं पाया गया है। प्री हिस्ट्री काल में रिटेन डॉक्यूमेंट नहीं पाया गया है, तो यहाँ के तथ्यों का अध्ययन हम वहाँ का जो पॉट्स बर्तन वगैरह जो मिलता है, जो हथियार वगैरह मिलते हैं, जो रहने का जो स्थान होता है वह जो मिलता है, इसके द्वारा उसका अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार ऐसा काल जिसमें रिटर्न डॉक्यूमेंट प्राप्त नहीं होता है, सच पीरियड इन विच रिटर्न डॉक्यूमेंट आर नॉट अवेलेबल, दिस पीरियड इज नॉन एज प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसके बाद है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री ऐसा काल है जिसमें लोग लिखना पढ़ना सीख रहे थे। प्रोटो हिस्ट्री ऐसा काल है जिसमें लोग लिखना पढ़ना सीख रहे थे, लेकिन यहाँ की जो लिपि थी उसको पढ़ना संभव अभी तक नहीं हो पाया है। वहाँ लिखा गया है लेकिन उसको अभी तक पढ़ना संभव नहीं पाया गया है। वे सब जो थे वो चित्राक्षर थे। अब कहीं मछली बना हुआ है तो समझ में नहीं आ रहा है कि मछली का मीनिंग क्या हुआ है। तो इस प्रकार से बहुत सारे चित्र हैं, मछली है, पेड़ है, इस पर लिखा गया है, लेकिन उसको समझना अभी तक किसी को कामयाबी नहीं मिली है। ऐसा पीरियड जिसमें लोग पढ़ना लिखना शक किए थे लेकिन उसके बारे में जानकारी अभी तक हमें प्राप्त नहीं है, तो इस पीरियड के काल को हम लोग प्रोटो हिस्ट्री काल कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड कहते हैं। इसमें डिजिटल रिकॉर्ड है लेकिन अनुमित रीड है, इसको पढ़ने लायक या लिपि नहीं है, इस पीरियड को हम प्रोटो हिस्ट्री पीरियड कहते हैं। द पीरियड इन विच वी फाइंड द रिटन मटेरियल बल बट स्टिल इट इज अनेबल टू डिस्क्राइब, दिस पीरियड इज नॉन एज प्रोटो हिस्ट्री। इसके बाद है हिस्ट्री। अब हिस्टोरिकल पीरियड या हिस्ट्री किस पीरियड को, उस पीरियड को कहते हैं जिसमें रिटन डॉक्यूमेंट प्राप्त है और उस डॉक्यूमेंट को हम अच्छी तरह से व्याख्या कर सकते हैं, इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इस पीरियड को हम हिस्ट्रिकल पीरियड कहते हैं। हिस्ट्री पीरियड इसको जैसे हम डिस्क्राइब करते हैं तो द पीरियड इन विच द पीरियड ऑफ विच वी हैव रिटन डॉक्यूमेंट एंड वी कैन एक्सेस देम, दिस पीरियड इज नोन एज हिस्ट्री, हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्ट्री में इसके अलावा दो टर्म और होते हैं, एक होता है बीसी जिसको बिफोर क्राइस्ट कहते हैं और दूसरा एडी एनो डोमिनी, इसका फुल फॉर्म है। बीसी मतलब होता है कि जैसे अभी 2020 चल रहा है, तो 0 से 2020 तक का जो काल है इसको हम एडी कहते हैं, एनो डोमिनी, और इसके ऊपर का काल, इसके बाद का जो काल होता है उसको हम बीसी के रूप में जानते हैं, बिफोर क्राइस्ट के रूप में। ऐसा माना जाता है कि जो जीरो है इसी में क्राइस्ट का जन्म हुआ था, इस जन्म के काल के बाद से एडी मानते हैं और जन्म के काल से पहले के भाग को हम बीसी कहते हैं। तो इस प्रकार टाइम फ्रेम बटा हुआ है, कुछ चीजें जो एडी में पाई जाती है, कुछ हिस्टोरिकल चीजें जो एडी में पाई जाती है, जो कुछ हिस्टोरिकल चीजें वह बीसी में पाई जाती है। तो यह जो है एडी और बीसी था। एडी का दूसरा नाम सीई भी कहा जाता है, कॉमन ईरा, और इसका दूसरा बीसीई बिफोर कॉमन ईरा भी इसको कहा जाता है। इसको कॉमन ईरा, इसको बिफोर कॉमन ईरा के नाम से जानते हैं।
इस वीडियो में लाल लिखना है, आगे हम फिर पढ़ेंगे।